गिरिडीह जिले के छात्राएं व छात्रों के साथ हो रहा अन्याय, बड़े आंदोलन की जरूरत, अभिभावक तैयार रहें, राजेश सिन्हा ने कही। बुधवार को 11 बजे झंडा मैदान में सभी एकत्रित हो उठाए जाएंगे स्टूडेंट की बातों को। राज्य सरकार और उपायुक्त महोदय जल्द कुछ उपाय कर दे ताकि छोटे छोटे बच्चे रोज एडमिशन के लिए भटकना बंद कर दें। निवेदन है, आज झंडा मैदान में लगभग 50 की संख्या में माली नेता राजेश सिन्हा से मिले, कुछ अभिभावक भी थे मौजूद। छात्रों ने कहा प्रॉब्लम दूर करने की बात, कहा पढ़ाई छूट जाएगी हमारी, कोई उपाय की बात किया जाए। माली नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि हर एक कोचिंग वाले स्टूडेंट का साथ दे, वरना स्टूडेंट का मनोबल टूटेगा, जल्द संज्ञान में ले। सर जेसी गर्ल्स स्कूल की लगभग 800 छात्राएं के साथ पूरे जिले के छात्र को अब आगे की पढ़ाई करना हो गया है मुश्किल। गार्जियन परेशान है, स्कूल कॉलेज लगातार भटक रहे हैं, पर अब तक आगे की पढ़ाई के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किया गया है। ज्ञात हो कि सर जेसी गर्ल्स हाई स्कूल CBSE पैटर्न हुआ, मैट्रिक के बाद साइंस आर्ट्स और कॉमर्स में केवल 120 छात्राओं को लिया गया। अब उसी स्कूल में जो 1000 छात्राएं थी उसका उसी स्कूल में एडमिशन हो जाता था, अब वह भटक रही हैं। महिला कॉलेज में भी एडमिशन शुरू नहीं हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सर जेसी गर्ल्स स्कूल में सभी स्टूडेंट पढ़ सकती थी, लेकिन अब वंचित रहेंगी। जैक को हटाकर CBSE करने से स्टूडेंट को एडमिशन कहां से ले, इसका प्रॉब्लम हो गया है। यही हाल पचम्बा हाई स्कूल का भी है, अब पास हुए बच्चे जाएं तो जाएं कहां। झारखंड सरकार को पहले व्यवस्था करनी चाहिए थी, फिर कानून लागू करना चाहिए था। श्री सिन्हा ने कहा कि यही हाल हो गया है, पहले नोटबंदी कर दो, फिर नोट छापो, फिर ATM सुधारो, फी के मामले में गरीब स्टूडेंट नहीं पढ़ पाएंगे, गार्जियन पर ज्यादा बोझ पड़ेगा, कई बच्चे पढ़ाई से वंचित रह जाएंगे, जल्द सुधार करे सरकार। मौके पर दिया कुमारी, पायल कुमारी, ऋतिका कुमारी, ऋषिका कुमारी, श्रुति कुमारी, प्रेरणा कुमारी, सृष्टि कुमारी आदि के साथ 50 की संख्या में लड़कियां मौजूद थी। यह भी कह रही थी कि मीडिया में आने के बाद सर गुस्सा करेंगे, तो सिन्हा ने कहा कि गार्जियन को कहो कि जिनको वोट दिए उन नेताओं को संज्ञान में दे, ताकि चुनावी नेता भी इस मुद्दे को समझ पाए, अपने हक की आवाज खुद। नमस्कार जोहार, अभी हम लोग झारखंड राज्य के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के, अभी हम लोग गिरिडीह के झंडा मैदान में आज मौजूद हैं, और जरा सर यहाँ पे मौजूद होने का जरा ये मकसद है कि आप लोग इन दिनों लगातार सुन रहे होंगे कि जितना भी गवर्नमेंट स्कूल प्लस टू था उसको CBSE पैटर्न कर दिया गया है, और उसी को लेकर के आज यहाँ पे कुछ छात्र लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और क्यों यहाँ पे क्यों मौजूद है, क्या मामला है, चलिए आज हम जानेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे आज क्यों यहाँ पे आप लोग आए? हम लोग एडमिशन के लिए सर जैसे बोस में करवाने के लिए आए हैं, जिसके लिए सीट अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे टोटल 360 लिया गया है, जो 120 आर्ट्स का है, 120 साइंस का, 120 कॉमर्स का है, तो बाकी सारी बच्ची कहाँ जाएगी। यहाँ पे लगभग 1500 बच्ची थी, 1500 बच्ची में एक क्लास में 1500 बच्ची थी 9 में एडमिशन के टाइम, फिर 10 में भी 1500 बच्ची थी, तो अभी बाकी सारी बच्ची कहाँ जाएगी। इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे हैं और हम लोग को एडमिशन करवाना ही करवाना है यहीं पे। जी, ये जो आप लोगों का है, ये आप क्या सर से कभी बात किए थे इस मामले को लेकर? सर को, सर से बात किए तो सर बोले कि यहाँ पे एडमिशन नहीं होगा, अदर स्कूल में CBSE पैटर्न कर दिया गया, इसके वजह से 120 बच्चों को ही लेना, नहीं तो हम लोग का कहना था कि हम लोग सबको लेंगे, लेकिन यहाँ CBSE पैटर्न करके 120 बच्चों को ही ऑर्डर दिया गया है। हम लोग ये स्कूल के स्टूडेंट हैं, हम लोग तो यही स्कूल के स्टूडेंट हैं, तो हम लोग को तो लेना चाहिए ना। उस टाइम तो 1000 से ऊपर बच्चा लोग को लिया, और अभी क्यों नहीं ले रहे हैं? अभी कम से कम 500 भी तो ले, उतना भी आर्ट्स में से 500 ले ले, और बाकी सब तो कॉमर्स साइंस सब कम ही लेता है, तो इसके वजह से हम लोग यहाँ पे है जमा। जी, और एक चीज हम जानना चाहेंगे, जैसे भी यहाँ पे प्लस टू है मगर सॉरी प्लस टू HR स्कूल है पचम्बा है, तो उधर क्यों नहीं जाना चाह रहे, इसी में क्यों? वहाँ पे फेस्टिवल अच्छे नहीं है, पेरेंट्स का अलाउड भी नहीं है, पेरेंट्स बोल रहे गर्ल्स के लिए यहीं पे सेफ है, इसलिए यहीं पे एडमिशन करवाओ, बाकी सेफ जगह नहीं है वहाँ पे, ना सेंटर भी अच्छा नहीं है,
ब्रांच भी अच्छा नहीं, वहाँ पे बाथरूम वगैरह क्लास वगैरह कुछ भी अच्छा नहीं इसके वजह से। जी अभी आप जो टेंथ का एग्जाम देख रहे हो, जो पास आउट हुए, वो कहाँ से आप पास आउट? सर जैसे बोस से ही। जी आपका घर कहाँ हुआ? पाठागीर ग्रेडी। आपका नाम? पायल कुमारी। जी आप लोग का यहाँ पे क्या मामला है? यहाँ पे हम लोग का एडमिशन नहीं ले रहा है सर जैसे बोस में, हम लोग को बोला जा रहा है कि दूसरा स्कूल में जाओ एडमिशन के लिए। तो आप लोग सर से बात किए तो कुछ तो बोले होंगे ना? सर बोले कि यहाँ पे 360 बच्चे का ही सिर्फ होगा और जो बच्चा लोग है वो लोग दूसरे स्कूल में एडमिशन करवा लो, दूसरे कॉलेज में एडमिशन करवा लो। मान लीजिए कि आप लोग का एडमिशन वहाँ पे नहीं हुआ तो आगे की प्रक्रिया आप लोग क्या चीज़ें? हम लोग का एडमिशन नहीं होगा सर जैसी बोस में, सर जैसी बोस में नहीं होगा तो हम लोग को डीओ मैम को देना पड़ेगा एप्लीकेशन, एडमिशन हम लोग को लेकिन यहीं पे करवाना है क्योंकि पेरेंट्स का कहना है कि सबसे सेफ स्कूल यही है हमारे लिए। और यहाँ पे नहीं होगा तो फिर कहीं नहीं पढ़ने मिलेगा हम लोग को। जी हालांकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो छात्र लोग हैं ये सबका कहना यह है कि पहले 1500 सीट लिया जाता था एडमिशन के लिए और अभी 120 लिया जा रहा, तो ये कहाँ का इंसाफी है? ये तो सरासर बहुत ही दिक्कत की बात है, इसलिए क्योंकि जितने भी प्राइवेट स्कूल से पढ़ करके आते हैं वो तो एग्ज़ाम का क्वालिफिकेशन करके सिलेक्शन उनका हो जाता है 120, और जो गरीब परिवार से है, जो नीचे परिवार से है, जो दबे हुए हैं, वो कहाँ पे जाएंगे? उनके लिए बोला जा रहा है कि HEI स्कूल सही नहीं है या तो और भी कई का स्कूल है, वहाँ पे बाथरूम सही नहीं है, वहाँ पे लड़की लोग के लिए सेफ नहीं है, इसके लिए ये सब यहाँ पे थोड़ा सीट बढ़ाना चाह रहे हैं, तो ये सब छात्र लोग कहाँ जाएंगे? चलिए हमारे साथ आज माले नेता यहाँ पे मौजूद है राजेश सिन्हा सर, चलिए उनसे हम थोड़ा जानना चाहेंगे। जी सर आज बताइएगा यहाँ के बारे में। जैसा कि हम लोग कल से इस पर स्टार्ट किए हैं, कई छात्राओं से मिले हैं और हम लोग का कोचिंग का एक एसोसिएशन है एप्टा, उसके माध्यम से भी हम सबको यही कहे हैं कि इस चूँकि बड़ा मुद्दा है और ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, बल्कि यहाँ की जो बेटियाँ हैं, हज़ार बच्ची पढ़ती थी और इस हज़ार बच्ची में 120 आर्ट्स साइंस और कॉमर्स 120 माने 360 बच्चे का हुआ, तो बाकी जो है वो बच्चियाँ कहाँ जाएंगी? जी अगर हम 360 का ले रहे हैं तो 800 से ज़्यादा बच्चे कहाँ जाएंगे, बच्चियाँ कहाँ जाएंगी? ये पहले सोचना चाहिए था सरकार को, जैक से हटा के CBSE लाया गया तो सरकार को इसकी व्यवस्था पहले कर लेनी चाहिए। अब इसमें स्कूल का जो प्रिंसिपल है उनका वो भी दोषी नहीं है, जो सिस्टम है हम किसी सिस्टम को दोषी भी नहीं मानते, लेकिन जब नियम बना रहे थे तो वो जानना चाहिए था कि यहाँ की जो बच्चियाँ हैं, जो दबे कुचले गरीब मध्यम वर्गीय परिवार के जो बच्चे हैं, जो इस स्कूल पर एक भरोसा रखे थे, बाकी स्कूल का तो आप छोड़ दीजिए, फीस के अनुसार सीट बढ़ा लेते हैं, टेबल कुर्सी बेंच बढ़ा लेते हैं, लेकिन ये जो कि सरकारी है और सरकारी में इस तरह से अगर हम संख्या को डाल देंगे, अगर हम संख्या को डाल देंगे तो बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे? ये वही हो गया कि नोटबंदी आप कर दिए और नोटबंदी के बाद आप ATM मशीन में जो होता है मशीन को सुधार रहे हैं और आप नोटबंदी कर रहे हैं, बाद में नोट छाप रहे हैं, तो यहाँ पे एकदम सीधा डायरेक्ट है कि आप एक साइड कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और यहाँ पे सीधे 800-900 बच्ची को कहाँ भेज रहे हैं? आप सरकार में हैं, सरकार से निवेदन है कि या प्रशासन से जो उच्च अधिकारी उनसे निवेदन है, संबंधित अधिकारी से निवेदन है कि आके सभी एक ऐसा माहौल पैदा करें, लोगों को बोलें कि हम आपके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। जो ये कह रही थी अभी हम सुन रहे थे बड़ा गौर से कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, वहाँ बाथरूम नहीं है, तो अधिकारी और जो सरकार में है सरकार के प्रतिनिधि आवें और कहें कि वहाँ पे भी अच्छा व्यवस्था कर देंगे एक महीना के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि सबका एडमिशन भी हो, चूँकि अगर पढ़ाई छूट जाती है बच्चियों की तो ये बड़ी बात होगी, चूँकि अगर हज़ार हज़ार स्टूडेंट यहाँ फिर उधर पचम्बा या जहाँ जहाँ इस प्रकार हुआ है, गिरिडीह छोटा सा शहर और पढ़ने लिखने वाला जगह है, अगर उसमें भी हम बच्चियों को नहीं पढ़ने दें तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये शिक्षा पर हमला है और ये हमला को रोकना चाहिए, और इसमें मैं समझता हूँ कि सभी जो टीचर हैं वो टीचर भी साथ देंगे, इनके जो गार्जियन हैं गार्जियन को आना पड़ेगा, अगर नहीं मानते तो आंदोलन के रूप में आना पड़ेगा, और इसमें भाजपा हो चाहे JMM हो चाहे कांग्रेस हो चाहे अन्य कई पार्टियाँ हों, कई सामाजिक दल के हों, कई सामाजिक संगठन हो, तमाम लोगों को सामने आने से मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं उपायुक्त महोदय और सरकार इस पर ध्यान देके इन बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को निश्चित है कि वो कहीं बेहतर जगह पे, लेकिन जल्दी करना है क्योंकि सब डिप्रेस भी एक तरह से कहें। और यहाँ पे हम संजोग से कुछ लोगों ने बुलाया, कल से हमने स्टार्ट कर दिया था इसलिए हम यहाँ पे आए, हम इसको बड़ा रूप में ले जाना चाहते हैं, हम अभी कोचिंग सेंटर वालों से सबसे हम आग्रह कर रहे हैं और बड़ा तेज़ी से इसको हम काम करेंगे।
जिस तरह से आप लोग इतना आंदोलन कीजिएगा उसके बावजूद भी नहीं होगा तो आगे? नहीं नहीं, हम आंदोलन आंदोलन का छात्रों लोग हम आंदोलन करते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। ये बिना आंदोलन का भी कार्य हो जाना चाहिए, चूँकि ये इस पर कोई पार्टी को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग जब आंदोलन करते हैं तो हम सरकार के विरुद्ध करते हैं, हम सत्ता के विरुद्ध में करते हैं, और सत्ता के विरुद्ध में करना पड़ता है पानी बिजली आदि आदि। ये पानी बिजली की बात नहीं है, शिक्षा की बात है, और शिक्षा जो है वो सबको अधिकार है। तो जब अधिकार मिला हुआ और वहाँ से अगर वंचित हो जाते हैं तो हम तो सिर्फ आवाज़ उठा रहे हैं, सरकार को करना है और सरकार को ही करना है और प्रशासन को करना है, दोनों मिलकर एक सामंजस्य बना ले। छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनका भविष्य सुधर जाएगा, और सभी पार्टी के लोग हम समझते हैं कि अपना ज्ञापन दें और ज्ञापन देने के बाद वो निश्चित होगा। हम तो चाहते हैं कि जो विधायक महोदय हैं वो पहल करके इस पर कुछ बेहतर करें। शिक्षा के विषय में अगर उन्हीं के क्षेत्र में शिक्षा जीरो हो जाएगा या कमज़ोर हो जाएगी उन 800 घरों का तो बड़ा ख़राब लगेगा। हम इसलिए रिक्वेस्ट मोड में हम ये बात करते हैं जी। तो हालांकि आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं छात्र लोग का कहना है कि बहुत ही जल्द वहाँ पे एडमिशन लिया जाए, क्योंकि अभी से पढ़ाई भी अब स्टार्ट हो, कुछ ही दिनों में पढ़ाई भी स्टार्ट होगा तो छात्र लोग कहाँ जाएगी? ये सबका मांग तो सही है, तब तक के लिए कब तक इनका समाधान होगा? तब तक के लिए बने रहे स्टार सिटी 24 झारखंड बिहार के साथ। नवीन कुमार जैन।